नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस की, और ये 60 क्वेश्चंस में आपके 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके आने वाले समीक्षा अधिकारी UPSI इनमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे प्लीज़ डाउनलोड कर लें, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि आपको यहाँ पर दो तरीके की क्लासेस मिलती हैं। एक आपके लिए होती है फ्री क्लास, दूसरी होती है आपकी पेड क्लास। तो जो फ्री क्लासेस हैं उनमें बहुत सारा आपको कंटेंट मिलता है, और उन क्लासेस को आप कभी भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं। अनलिमिटेड क्विज मिलेंगे आपको, स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF फॉर्मेट में आपको, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, यानी बहुत कुछ मिलने वाला है जो आपकी एग्ज़ाम की डिमांड है। और जो पेड क्लासेस हैं उनके ऊपर आपको इस टाइम एक ऑफ़र चल रहा है, जो 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत ही जल्दी इस अनअकैडमी के जो प्राइसेस हैं वो हाइक होने वाले हैं, जैसा कि आपको सबको पता है। तो और एक यहाँ पर एक टेस्ट प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है विजेता, जो प्रीलिम्स GS पेपर फर्स्ट के लिए है, यानी PCS का जो GS का पेपर है उसके लिए। यहाँ पर आपको इसमें मिलेंगे 200 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट की ड्यूरेशन होगी, निगेटिव मार्किंग के साथ 1/3 के साथ। यहाँ पर आपको अगर इसमें सब आप इतना सब होने के बाद अगर आपकी रैंक 1 आती है तो 100% स्कॉलरशिप मिलेगा आपको 6 महीने या इससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पे। बैच कोर्सेज की बात कर लेते हैं तो आप गौरव शुक्ला सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तारिक खान सर आपको हिस्ट्री, अमरनाथ गुप्ता सर हिंदी, धनंजय सर आपको फिलॉसफी, मुकेश कुमार सर सोशोलॉजी और भारत कुमार सर आपको ज्योग्राफी। ये बैचेस आपके मेंस सब्जेक्ट हैं, जो कि मेंस में एक सब्जेक्ट आता है उसके लिए। यहाँ पर 12 महीने का जो आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी करने का जो मौका मिलेगा वो 15 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, और इसमें आपको मिलेंगे ये 2022 की पूरी तैयारी का मौका। साथ ही साथ ये बैच आपका रनिंग हालत में है, इसे आप देख सकते हैं। UPPCS जो कि आपका अपर सबऑर्डिनेट से लेकर लोअर RO SI PAT लेखपाल BO ऑप्शनल कोर्सेज, ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। प्लस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन चार्ज दिया हुआ है, यानी 12 जो 24 महीने की फ़ीस है वो है 8400, 1 साल की 7000, 6 महीने की 5600, 3 महीने की 3500। इनमें आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है, और डिस्काउंट कैसे मिलता है, LIVE लाइव और ये नूर लाइव नूर रेफरल कोड को यूज़ करें तो आपको 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर याद रखिएगा, यूपी बिहार की तैयारी करने वाले लोग एक साथ आपको यहाँ पर सुपर काम्बो सब्सक्रिप्शन प्लान जो है यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें एक तैयारी से दोनों स्टेट आपके कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ कभी भी कोई भी अनअकैडमी के किसी भी वीडियो में अगर आपको ऐसा कोई कंटेंट दिखाई देता है जो इन अप्रोप्रिएट है तो उसे तुरंत सबसे पहले रिपोर्ट कीजिए। अगर आपकी रिपोर्ट सही है और सबसे पहले पाई गई तो अनअकैडमी आपको एक बेहतरीन इनाम देगा। स्पेशल क्लासेस की बात करें तो सवेरे 10 बजे चलती है, एक करंट अफेयर्स की क्लास है, रात 9 बजे जो क्लास है ये आपकी क्लास जो है वो समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज है। तो ये दोनों क्लासेस फ्री हैं। साथ ही साथ 18 सितंबर से यहाँ पर शाम को 5 बजे एक आपकी पेड क्लास जिसे कंप्लीट ज्योग्राफी वहाँ पर मिलेगी वो स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग उसे ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए, आज के शुभ विचार के साथ, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए, ये आज का विचार है। और आप लोग लाइव नूर रेफरल कोड का यूज़ करके अनअकैडमी को ज्वाइन करिए, किसी भी कोर्स में आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए, आज का पहला सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि कह रहा है कि हाल में ही चर्चा में रहा कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है।
तो कांडला जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो किस राज्य में है? तो देखो, पहले नंबर में तो आपको ये बता दें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है इसे, जिसे हम लोग सेज कहते हैं। ठीक, कांडला की बात करते हैं तो कांडला एक बंदरगाह भी है। और तो ये बंदरगाह की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बंदरगाह यहाँ पर पड़ता है कच्छ की खाड़ी में, और कच्छ की खाड़ी है गुजरात में। तो इसका आंसर आपका सही होगा गुजरात। अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल ये कह रहा है आपका, हाल में ही किसे राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता? यानी हाल में ही किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता? तो किसने जीता है? वंतिका अग्रवाल ने, अर्पिता मुखर्जी ने, श्रीजा शेषाद्री ने, या सौम्या रामिना स्वामीनाथन ने? तो ये पुरस्कार बच्चा जीता है किसने? वंतिका अग्रवाल ने। बढ़िया क्वेश्चन, शानदार। हाल में ही किसने दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यानी दिल्ली पुलिस का जो कमिश्नर है वो कौन है? बालाजी श्रीवास्तव, प्रवीण सिन्हा, सुबोध कुमार जायसवाल, राकेश अस्थाना। तो याद रखिएगा बच्चा, दिल्ली पुलिस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है, ठीक है, उसके जो कमिश्नर हैं वो हैं राकेश अस्थाना। अगला, हाल में ही 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ? यहाँ पर आपको एक बात बता दें, आपको ध्यान रखिएगा कि इंदिरा नाम से जब भी कोई सैन्य अभ्यास होगा वो भारत और रूस के बीच में होता है। मालाबार नाम से जो सैन्य अभ्यास होता है वो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, यानी भारत और अमेरिका यानी यूएसए। तीसरी, दूसरी बात ये, इसी तरीके से संप्रीति बांग्लादेश के साथ होता है, सिम्बायक्स सिंगापुर के साथ होता है, कि किसी के साथ गरुड़ होता है, किसी के साथ हैंड इन हैंड अगर कभी आ जाए भारत और चीन के साथ होता है, सागर माथा आ जाए तो भारत और नेपाल के साथ होता है। तो इसी तरीके से ये युद्ध एक्सरसाइज आपको याद रखने हैं। अगला है, हाल में ही कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 ये बन गया है उड़ीसा का पुरी। ठीक, अगला सवाल है, कह रहा प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 27, 28, 29, 30 जुलाई। तो पहले नंबर में तो आपको बता दें कि जो हेपेटाइटिस है, तो याद रखिएगा बच्चा लोगों, हेपेटाइटिस जो है एक वायरस से संबंधित बीमारी है। किससे? वायरस से। दूसरी बात, हेपेटाइटिस ए बी सी आपने सुना होगा, हेपेटाइटिस सी, इनके टीकाकरण भी होता है। तो ये जो है एक वायरस से संबंधित एक बीमारी है, और इसका जो है वो मनाया जाता है वो 28 जुलाई को। अगर बात 29 जुलाई को कहा जाए तो याद रखिएगा विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है, विश्व टाइगर दिवस। दूसरा, 12 जुलाई को पूछ ले तो मलाला दिवस, उसके बाद फिर 11 जुलाई को पूछ ले तो, 11 जुलाई को पूछ ले तो क्या कहेंगे इसे? तो कहेंगे जनसंख्या दिवस। 4 जुलाई को पूछ ले तो अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट डेज भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पर है, कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने देवारण योजना लॉन्च किया है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? क्वेश्चन नंबर 7, आंसर इसका है बच्चा सी। सी मतलब मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश को आपको बता दें, सबसे ज्यादा यहां पर होता है सोयाबीन। क्या होता है? सोयाबीन। और प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा मसाले भी यहीं पर होते हैं। तीसरी बात, यहां पर सबसे बाघों की संख्या ज्यादा है, बाघों की संख्या, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। तो सही आंसर इसका मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है, हाल में ही झंडा सत्याग्रह समारोह का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? जबलपुर,
ग्वालियर, आरा, ओरछा। ओरछा मध्य प्रदेश में है, आरा बिहार में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो कहाँ किया गया था? ये जबलपुर में किया गया था। जबलपुर के बारे में याद रखिएगा, ये नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। साथ ही साथ यहाँ पर पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तीसरी बात, यहीं पर नर्मदा नदी एक वाटरफॉल बनाती है, उसका नाम है धुआं धार जल प्रपात। तो सही आंसर क्या है? जबलपुर। अगला कह रहा है कि हाल में ही जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में वर्ष 2021 में भारत विकास अनुमान को 12.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो 9.5% ये कर दिया गया है। आगे है, हाल में ही कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? यानी कर्नाटक में VS येदुरप्पा की छुट्टी हुई है, तो यहाँ पर कोई दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है बसवराज बोम्मई, ये कर्नाटक में मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। हाल में ही कौन सा देश ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है? यानी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जो है वो देश है जो एरिया में सबसे छोटा है और ओलंपिक में जिसने गोल्ड मेडल जीता है वो है बरमूडा। क्या नाम है उसका? बरमूडा। कहाँ है? कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन, कैरिबियन देश में आता है। कहाँ पर है ये? जहाँ पर आपने क्यूबा, हैती, जमैका, पोर्ट ऑफ स्पेन सुनते होंगे वहीं पर है ये। जो बहुत छोटा देश, ये भी बहुत छोटा है, ये यूरोप में है, ठीक है, ये यूरोप में है, ये भी यूरोप में है, बहामास भी वहाँ है, यानी कि कैरिबियन में। अगला है, हाल में ही नागोजी ओंकाजी इबेल किस विश्व संस्था की पहली महिला निदेशक बनी है? नाम कितना मुश्किल है। तो ये है विश्व व्यापार संगठन की, WTO की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, हाल में ही किस राज्य ने विजयनगर को राज्य का 31वां जिला बनाने की अधिसूचना जारी की है? तो विजयनगर जो है बच्चा याद रखिएगा कर्नाटक में पड़ता है, वहीं पर ये बना होगा। और आपने सुना भी होगा इतिहास में विजयनगर साम्राज्य नाम सुना होगा, और विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी राजधानी जो थी वो थी क्या? राजधानी उसकी हम्पी थी। और जो हम्पी राजधानी है ये किस नदी के किनारे है? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। किसके किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अगला सवाल है, करा हाल में ही मंगल ग्रह के अंतरिक्ष मिशन होप ने मंगल ग्रह पर के ऑर्बिटर में प्रवेश किया, यह मिशन किस खाड़ी देश द्वारा भेजा गया? तो याद करिएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा यह भेजा गया था, जिसका नाम था होप, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वरना खाड़ी देश वाले इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते नहीं जल्दी। हाल में ही किसे मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता, मिस इंडिया 2020 का खिताब जो जीता है वो मानसा वनारसी ने जीता है। अगला क्वेश्चन करा कि हाल में ही वैज्ञानिकों ने ब्रूकेसिया नीना नामक विश्व की सबसे छोटी सरीसृप, जिसे बोलते हैं हम रेप्टाइल्स, प्रजाति का पता लगाया है, किंतु यह प्रजाति कह रहा है किस जंतु की यह प्रजाति है? यानी जो प्रजाति का नाम दिया गया है ये किस किसकी है? तो ये गिरगिट की है, सांप की है, कछुए की है, मछली की है, किसकी है? तो बताइएगा किसकी है। तो आपको बता दें ये प्रजाति जो है वो काहे की है? गिरगिट की है। गिरगिट ने रंग बदलता है, कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदल जाता है। हाल में ही मध्य भारत में किस राज्य में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया? यानी भारत सेंट्रल इंडिया में काला घोड़ा जो है वो ये महाराष्ट्र में ये महोत्सव मनाया जाता है, उसका नाम है काला
घोड़ा। अगला है, हाल में किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2021 का पहला पुरस्कार जीता? बेहतरीन क्वेश्चन। तो ये किसने जीता है? रॉबर्ट इरविन ने जीता है। किसने जीता है? रॉबर्ट इरविन ने। अगला सवाल, हाल में ही किस देश के अंतरिक्ष यान तियान वेन वन ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया? तो ये बच्चा नाम से ही जाहिर हो रहा है, जैसा कि ये देख रहे हैं, ये है चीन। अगला है, हाल में ही भारत के किस स्थान पर धरती के सबसे प्राचीन डिकिन सोनिया का जीवाश्म मिला? तो ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है भीम बेटिका की गुफाएं, मध्य प्रदेश में है। और ये भीम बेटिका की गुफाएं जो हैं वो चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। काहे के लिए? चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं। अगला है, हाल में किस स्थान पर डाकुओं द्वारा आधारित पुलिस संग्रहालय स्थापित किया जा रहा? हाल में किस स्थान पर डाकुओं द्वारा आधारित डाकुओं सॉरी डाकुओं पर आधारित सॉरी सॉरी डाकुओं पर आधारित पुलिस संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपको पता होगा, भिंड मध्य प्रदेश, और ये वही एरिया है जो चंबल के आसपास का ये क्षेत्र है, चंबल के आसपास का। और चंबल का नाम आते ही दिमाग में एक फीलिंग आती है, सुना होगा डाकुओं के यहाँ गिरोह, ये तमाम तरीके की। और एक नाम आपके दिमाग में और आता होगा, और वो आता होगा फूलन देवी का। ठीक, इनके ऊपर बैंडेड क्वीन नाम से पिक्चर भी बन चुकी है। हाल में ही किसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया अध्यक्ष नामित किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो अध्यक्ष नामित किए गए हैं, सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो वो है सत्य नडेला। अगला है, हाल में एक केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है, यह परियोजना किससे संबंधित है? शिक्षा, रेलवे, चिकित्सा, पर्यटन, किससे संबंधित है जरा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये है आपका रेलवे से संबंधित है। अगला है, हाल में एक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने खाद्य एवं कृषि संगठन के 42वें सत्र को संबोधित किया है, एएफ को की स्थापना कब हुई? एएफओ की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 24, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हाल में ही सीएम राइज योजना की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 25, इसके द्वारा की गई है, एमपी के द्वारा, यानी मध्य प्रदेश। हाल में ही लॉन्च किया गया आदि प्रशिक्षण पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये है आपका जनजाति मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। अगला है, बीते दिनों किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगाया? बिहार में। और बिहार में ध्यान रखना, यहां पर आपको शराब को भी बंद कर दिया गया है, शराब। अगला है, हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली शिखर वार्ता कहां पर हुई? बेहतरीन क्वेश्चन, ये कहां हुई? जिनेवा में। ये कहां है? स्विट्जरलैंड। बहुत खूबसूरत देश है यूरोप का। अगला है, हाल में ही भारत सरकार ने किस विश्व व्यापार को किस व्यापार संगठन में भारत की स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया है बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 में तो आशीष चंद्रोकर को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल में ही कस्टमाइज्ड कैश कोर्स प्रोग्राम पहल का संबंध किससे है? तो किससे है? ये आपका फ्रंट लाइन वर्कर्स से, यानी कोरोना के दौरान जो फ्रंट लाइन वर्कर्स का मतलब जैसे मेडिकल और मेडिकल के जो वर्कर्स थे उनको। अगले क्वेश्चन फिर है 30, आपके जीएस से संबंधित हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। किस
संस्था का मुख्यालय का सही मिलान नहीं है। WHO जिनेवा में है, कोई डाउट नहीं, शंघाई में ये भी है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय पेरिस में ना होके वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है, पोटोमैक नदी के किनारे है। अगला है, शहरों का मिलान, गलत मिलान कौन सा है? तो दीमापुर नागालैंड में है, ये बिल्कुल सही बात है। ये जो है ये शहर कहाँ है? ये यहाँ पर, ये उत्तराखंड में है, राजस्थान में ना होते। ठीक, विशाखापट्टनम, ये सही, ये गलत है। अगला है, कौन सा गलत है? यदि सुमेलित नहीं है तो बताना है, सुमेलित नहीं। ये बच्चा जो उत्सव है वो केरल का है, ना कि तमिलनाडु का। ये उत्सव कहाँ का है? केरल का है। अगला है, राष्ट्रीय उद्यान का मिलान गलत है। देखो, जो गिर नेशनल पार्क है ये है गुजरात में, इसीलिए ये गलत है, बाकी सब सही है। देशों की मुद्राओं का गलत मिलान चुने। मलावी यूरो, मलावी में यूरो नहीं बच्चा है, यहाँ पर चलता है मलावियाई क्वाच, ये चलता है, ये गलत है, यूरो यूरोपीय यूनियन में चलता है, गलत मिलान करिए। GST एक्ट बिल्कुल सही, 2010 का है। प्रतिस्पर्धा आयोग, ये बच्चा 2003 का है, ये गलत है। निम्नलिखित में से गलत चुनिए। तो तेलंगाना में जो है 40 सीटें हैं विधान परिषद की, 50 नहीं है, ये गलत है। विधान परिषद कहाँ कहाँ है? देखो, यूपी में है और कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, बिहार में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अब सातवां बनने जा रहा है बंगाल, तो ये अब 7 हो जाएंगे। निम्नलिखित में से गलत का चुनाव कीजिए। तो गलत का चुनाव करना, ये यहाँ पर ये भी चेंज हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन ही थोड़ा सा इसको इलिमिनेट करना, हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर अभी मंत्रिमंडल में चेंजेस हुए हैं, तो ये मंत्री फिर बैच क्वेश्चन सही नहीं रहेगा। अगला है, गलत चुनाव करिए, यानी आपको ये बताना है कि इसमें से फेसबुक कंपनी से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक का CEO कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अभी हमने बताया था आपको, ये कौन है? सत्या नडेला। ठीक, बिल गेट्स नहीं है इसके CEO। अगला है, निम्नलिखित में से गलत चुनाव करें। नहीं, गलत क्या है? तो ये नृत्य दिए, राज्य दिए, तो भरतनाट्यम जो है बच्चा वो तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का है। इसी तरीके से यहाँ पर देखते होंगे, भरतनाट्यम के साथ साथ आपका एक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं यक्षगान, ये कर्नाटका का है ना, तो ये गलत है। ये मेले और राज्य, यानी कौन सा मेला किस राज्य में लगता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये बताइएगा, ये जो झीरी का मेला है ये जम्मू कश्मीर में लगता है, झारखंड में नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से गलत चुनिए। लोनार उड़ीसा में नहीं, ये है महाराष्ट्र में। ठीक, एक क्रेटर झील है, क्रेटर मतलब ज्वालामुखी के मुंह में जो पानी भर जाता है, इसी तरीके की एक और है टीटिकाका, ये कहाँ है? टीटिकाका पड़ती है आपके बोलविया में, बोलविया कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। निम्नलिखित में से गलत चुनाव कीजिए। गलत चुनाव किसका करना है? देखो, जो NTPC है, ये NTPC की अगर हम लोग स्थापना की बात करते हैं, तो NTPC जो है ये बनी थी 1975 में, ठीक, महारत्न कंपनी। गलत चुनाव करें, फिर आ गई बात, गलत चुनाव करें तो गलत चुनाव क्या है? ये जो बच्चा है वो केरल में, तमिलनाडु में नहीं, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से गलत चुनाव करें फिर से, तो सिक्किम में तिस्ता है, तेलंगाना में चंबल नहीं है, चंबल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है,
और ये कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है, और यूपी माँ के मिल जाती यमुना से, ये गलत विकल्प है। फिर गलत चुनाव करें, नाबार्ड की स्थापना 78 में, गलत, ये हुई थी 12 जुलाई 1982। इसका मुख्यालय जो है वो बम्बई में है, लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय है, ये गलत। गलत चुनाव करें तो इसमें ध्यान रखिए, सॉरी गलत नहीं, इसमें सही चुनाव करें, गड़बड़ हो जाएगा। सही चुनाव करना है तो देखो, ये कोटेश्वर गुजरात में है, टुंडला यूपी में है, पंचेश्वर उत्तराखंड में है, ये तमिलनाडु, ये सही है, बाकी सब गलत है। गलत चुनिए, ठीक है, तो गलत चुनना है। ये आपका एशियाई कोयल जो है वो चीन में पाई जाती है, ना कि झारखंड में, ये गलत है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है तो वो कौन सा? रणथंभौर, ये राजस्थान में है। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। गलत चुनाव करना है, जीआई टैग। तो देखो, इसमें से जो गलत चुनाव करना है, यानी इसमें से जीआई टैग किसे नहीं दिया गया है, ये सॉरी गलत मिसमैच बताना है। तो ये जो है, ये जो सिरसा सुपाड़ी है, ये कर्नाटक को मिला था इसका जीआई टैग, ना कि आंध्र प्रदेश को। अगला है आपका, कौन सा जीआई टैग उड़ीसा से संबंधित नहीं है? तो उड़ीसा से संबंधित ईरोड नहीं है, क्योंकि ईरोड तमिलनाडु में है। गलत चुनाव कीजिए, तो गलत। देखो, आसियान में 10 देश हैं, ये बिल्कुल सही। इसमें 10 नहीं, इसमें 13, 14 देश हैं, 23 नहीं, ये गलत है। गलत चुनाव करना है तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को होता है, सही है। राष्ट्रीय नौसेना दिवस, ये भी सही है, ये भी सही है। ये होता है 15 जनवरी को होता है, ये जो भारतीय सेना दिवस है 15 जनवरी। अगला है, गलत चुनाव कीजिए, यक्षगान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। झूमर, ये घूमर है, झूमर नहीं, घूमर। तो ये कर्नाटक, असम में नहीं, राजस्थान में है। कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित ये नहीं है, ये उत्तराखंड का है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, वाल्मीकि, कांगेर, संजय, तो ये वाल्मीकि है, ये बिहार में है, बाकी सब छत्तीसगढ़ के हैं। अगला है, राज्य में उनमें पाई जाने वाली जीवों की प्रजातियों का सही मिलान करना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है, बताइए। अगला क्वेश्चन 58 पे आते हैं, कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ये नहीं है, ये कृष्णा की है। गलत चुनाव करना है, ये सही है, ये जो है वो 2004 का है, ना कि 14 का, ये गलत है। अगले सवाल पे आते हैं, गलत चयन करना है तो ये इसके हेलेंस्की है इसकी राजधानी, बाकी सारी राजधानियां सही हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको लिंक, पीडीएफ सब यहाँ पर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसमें आपको मिलता है बहुत सारा कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। तो मिलेंगे हम लोग फिर 11 बजे रोजाना इसी तरीके से इस चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और हाँ, जो अभी शुरुआत में बताया था, एक क्लास मॉर्निंग में 10 बजे होती है, जो कि करंट अफेयर्स की डेली लाइव रहती है।
फ्री रहती है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, और एक रात 9 बजे टेस्ट सीरीज चलती है समीक्षा अधिकारी दरोगा की, उसे आप लोग जरूर जरूर ज्वाइन करिए, वो फ्री क्लास है। फिर मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, धन्यवाद।